जरूरत इस बात की है लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाए, ये बहस को आगे ले जाया जाए कि हमारा संविधान हमसे क्या अपेक्षा है और जो कर्तव्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कर्तव्यों को अलग तरीके से एक दूसरी भाषा में फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया तो दुगना बल मिल जाए। दूसरी बात को लेकर कर्तव्यों में लिखा है, आप बात ले लीजिएगा, आप उद्देश्य करने वाले थे लेकिन जगह कम है तो उद्देश्य करेंगे तो फिर लोग कम बैठ पाएंगे, इसलिए उद्देश्य नहीं करेंगे। कर्तव्य में लिखा है कि नागरिकों का कर्तव्य है कि राष्ट्रगीत और हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है, झंडा है, इसका सम्मान करें, आदर करें। लेकिन उतना ही नहीं लिखा है, आज अफसोस की बात है कि परिभाषा और देश प्रेम वहीं तक सीमित कर दिया गया है, बाकी बातें गायब। तो जो बातें गायब की जा रही है उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसकी थोड़ी बात है। क्या कहता है, अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ और उसका अनुवाद करता है। कहते हैं हमारे संविधान निर्माता से अपेक्षा करते हैं कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि हमारे आजादी के आंदोलन के जो उच्च आदर्श थे उन आदर्शों को जपा जाए, उनको चेरिश किया जाए, मतलब उनको होल्ड किया जाए और उनका पालन। फिर लोग कहते हैं ये भी ड्यूटी है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शुअल डाइवर्सिटी। यानी हमको सारे इस देश के नागरिकों में बंधुत्व प्रमोट करना चाहिए, धर्म भाषा प्रांत के बंटवारों से ऊपर, ये हमारा कर्तव्य। फिर वो कहते हैं ये हमारा कर्तव्य बनता है कि महिलाओं की डिग्निटी, महिलाओं के स्वाभिमान को जो भी प्रैक्टिसेस, परंपराएं, जो डेरोगेटरी हैं, जो भी अपमानजनक है, उसको हम त्याग दें। फिर वो कहते हैं हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारी जो साझी संस्कृति है उसकी जो रिच हेरिटेज है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। यानी हमारी साझी संस्कृति है, उस साझी संस्कृति की जो इतनी शानदार विरासत है उसको जपा जाए और उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको बनाए रखा जाए। और फिर वो कहते हैं कि हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे देश में वैज्ञानिक चिंतन को प्रोत्साहित करें, साइंटिफिक टेम्पर को, ह्यूमनिज्म को और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को प्रमोट करें। वो क्या मूल्य, जब हम कहते हैं कि हमारे देश की आजादी के आंदोलन के मूल्यों को हमको जपना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए, उनको प्रोपेगेट करना चाहिए, वो कौन से मूल्य, कौन कौन से महत्वपूर्ण मूल्य कौन से मूल्य आजादी क्या है, और समाजवाद और आप यदि इनके आपस में थोड़ी बात कर लें तो फटफट आ जाए। इन पे क्यों नहीं बात हो, स्वतंत्रता आजादी मतलब क्या,
आजादी मतलब बोलने की आजादी, आजादी मतलब आलोचना करने की आजादी, वो आपका अधिकार। और यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकार का गौरी लंकेश की हत्या हो रही है तो ये एक प्रकार से संविधान की हत्या हो रही है, क्योंकि व्यक्ति के बोलने की आजादी जो भी आपका तुलसी इस देश की परंपरा रही है। तुलसी कहते हैं ना कि अपने घर में अपने आंगन में अपने सबसे बड़े आलोचक को रखिए, तो गौरी लंकेश यदि कट्टरपंथियों की आलोचना करती है, वो कहती है कि लिंगायत धर्म अलग धर्म है हिंदू धर्म से, उनके जो भी विचारों प्रश्न इस बात का है कि उनको बोलने की आजादी है कि नहीं, इस पर हत्या क्यों की जाती है। और न सिर्फ हत्या होती है, उसके बाद उनकी हत्या को डिफेंड करते हुए मीडिया पर ट्वीट आते हैं। तो सवाल इस बात का है, और ये पहली घटना नहीं, ये लगातार चलता चले जा रहा है, चौथी इस तरह की हत्या हुई। जब लोगों ने इस देश में जो माहौल बन रहा है उसके विरोध किया और अपने पुरस्कार वापस किए, तो उनको देशद्रोह का आरोप लगाया कि आप लोग देशद्रोही हो। लोगों ने आलोचना की, बिहार चुनाव के समय तो कह दिया गया कि आप पाकिस्तान चले जाए। तो ये जो माहौल है, जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वाकई वो देशप्रेमी हो गए, या जो लोग आलोचना रखते हैं वो देशप्रेमी, जो लोग आपकी आलोचना करके आपको फतवा दे रहे हैं कि आप देश छोड़ के चले जाए, उन्होंने शायद संविधान पढ़ा ही नहीं। संविधान हमको यह अधिकार देता है आलोचना। दूसरा मूल्य बराबरी का, बराबरी में आपको शायद मालूम भी होगा, आज हमारे वोट की कीमत हमको उतनी मालूम नहीं होती, लेकिन जिस समय ये देश आजाद हुआ सारे नागरिकों को हर व्यक्ति को और एक वोट दिया गया, इसका मतलब है कि चाहे वो कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, चाहे वो पहले का राजा रहा हो या उसके राज्य में सबसे गरीब आदमी हो, सारे लोग का बराबर का हक हो गया, सब लोगों को एक एक वोट मिला। और एक ऐसे जमाने में जिस समय विकसित देश जहां पर वोट डालने का अधिकार पहले आ गया था, उन्होंने भी अपने सब नागरिकों को यह अधिकार नहीं दिया था, हमने अपने सारे नागरिकों को, और उस अधिकार के पीछे एक दूसरी भी स्पिरिट कि इस देश में चाहे जितने भी बंटवारे हो, जाति का बंटवारा हो, छुआछूत का बंटवारा हो, महिलाओं के साथ भयंकर गैर बराबरी का माहौल हो, अब से हम उसको समाप्त कर रहे हैं और सारे लोगों को बराबर रहता है, सब लोग बराबर। तो स्पिरिट क्या हुआ? स्पिरिट वही हुई जिसके लिए गांधी से लेकर अंबेडकर लगातार प्रयासरत रहे कि हम लोग अपने अपने बंटवारों से ऊपर उठकर और अपने आप को इस देश का समान नागरिक माने, यानी हम लोग जाति से ऊपर उठे, भेदभाव से ऊपर उठे, सबको बराबर का व्यवहार है, यही उसका अर्थ था। इसका मतलब ये भी हुआ कि हमको जो हमारे देश में भिन्नताएं हैं उन भिन्नताओं की इज्जत करते हुए, उनका आदर करते हुए, उसके बावजूद हम सब एक। उसमें ये नहीं कहा गया है, आप प्रीएम्बल भी पढ़ेंगे, इक्वालिटी का ड्यूटीज के साथ साथ, ड्यूटीज में जहां पर ये चर्चा की गई है कि आजादी के मूल्यों को संजोया जाए, उनको प्रिजर्व किया जाए, उनको चेरिश किया जाए, स्वतंत्रता के आजादी के मूल्यों को इतना महत्वपूर्ण माना गया कि उनको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखा गया, आप जानते होंगे आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 15 में है, तो ये इतने महत्वपूर्ण माने गए और वहां पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है।
हिंदू या मुसलमान या भलापन कोई शब्द ऐसा नहीं, सारे नागरिकों को बराबर माने। तो हम यदि अपने वाकई इस देश को प्यार करते तो उसका एक अर्थ बनता है कि क्या हम जाति से ऊपर उठकर सारे नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने को तैयार हैं क्या? हमको ये सोचना चाहिए क्या हम वाकई एक जातिहीन समाज की जो अंबेडकर कल्पना करते हैं। गांधी तो स्टैंड लेते हैं कि मैं उसी शादी में जाऊंगा जो अंतर जातीय विवाह हो, इसमें कम से कम एक व्यक्ति दलित हो। ये जो उस जमाने के नायकों ने स्टैंड लिए, आप 70 साल बाद भी हमारी वो हिम्मत नहीं होती। और अखबारों में कॉलम के कॉलम आते हैं कि शादी के लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा है अपनी जाति में। आप वैसे भी कितने अपनी जाति के भीतर ही प्रेम करना चाहेंगे, रिप्रेम करना चाहेंगे, और ये तो माँ बाप इसे बांध देंगे बन जाए। तो वाकई क्या आप अपने आप को इस देश का नागरिक मान रहे हैं? क्या वाकई अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? वो असली देश प्रेम वाल। और तीसरा जो महत्वपूर्ण, थोड़ा आगे आ जाइए, और तीसरा जो महत्वपूर्ण मूल्य है, इसे मूल्य का ही है, मैं सब पे नहीं जा रहा हूं, समय नहीं। और ये मूल्य भी इतना महत्वपूर्ण है, इसको आर्टिकल 25 में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है कि हर व्यक्ति को पूरी आजादी है कि वो कौन सा धर्म माने या न माने, और उसको अपने धर्म के हिसाब से उसके रीति रिवाज, उसकी संस्कृति, उसके त्योहार मनाने का पूरा अधिकार है, उसको प्रचार करने का अधिकार है। यहां तक कि इसका इतना मूल्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग से यह फैसला दिया है कि सेक्युलरिज्म इस देश के संविधान का के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है और संसद चाहे भी तो उसको नहीं बदल सकती। मालूम होगा शायद एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है, संविधान का बुनियादी ढांचा, और वो बुनियादी ढांचे को संसद में सरकार के पास बहुमत भी हो तो उसको उलट नहीं। यानी परिभाषा क्या बनी, ये वही बात है कि हमारे देश जिन मूल्यों पर आधारित है वो मूल्य इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मूल्य आजादी के आंदोलन से आए। और उनका निचोड़ संविधान में आया, और जिन लोगों ने उतनी कुर्बानी दी और इस देश का निर्माण किया, बाद वाली पीढ़ी में यदि इस तरह की कुछ धर्मांध ताकतें मजबूत होने लगे तो फिर भी वो इस देश को अपने रास्ते से भटका नहीं सकते। उस समय एकदम स्पष्ट था, संविधान सभा में बहस कि माइनॉरिटीज के अधिकारों पर जब बहस चल रही थी तो एक सदस्य ने ये कहा कि बाजू के देश में माइनॉरिटीज को क्या अधिकार मिलते हैं उसके आधार पर हम तय करेंगे कि हमारे देश में माइनॉरिटीज को क्या अधिकार। तो चलिए इस पे आपकी क्या राय है, क्या बाजू के देश का इंतजार करना चाहिए? क्यों आपके बाजू में आपके कह रहा है कि क्या बाजू वाले देश से तय करेंगे हमारे देश में अल्पमत के लोगों का क्या होगा? मैडम आपको क्या लगता है? हां आपको क्या
मेरा सवाल ये है, बहस ये उठी कि अल्पमत माइनॉरिटीज को बाजू वाला देश यानी पाकिस्तान की तरफ इशारा था कि पहले वहां पर तय हो जाए कि माइनॉरिटीज का क्या अधिकार है, उसके हिसाब से हम देंगे। क्यों बाजू वाले देश को क्यों नहीं देखना था? एकदम कॉमन सेंस। भाई हम स्वतंत्र देश हैं, दूसरा गलत कर रहा है तो हम भी गलत कर रहे हैं, ये कौन सा नियम हो? और यही बहस चली और अंबेडकर ने एकदम तीखी आलोचना रखी कि उनको जो करना हो करने दो, हमको करना है करेंगे, हमको स्वतंत्र देश, हमको जो मूल्य ठीक लगते हैं उसका पालन करेंगे। और वो क्या कंसेप्ट था? वो कंसेप्ट ये था कि मेजोरिटी अपनी मत को माइनॉरिटी पे नहीं आरोपित कर सकती, यानी जो मेजोरिटी धर्म के लोग हैं, ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश बन रहा है। देखिए अब यहां पर डेमोक्रेसी की सीमा बन जाती है, धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे तो मेजोरिटी धर्म का बहुमत हो जाएगा ना। तो गांधी एकदम स्पष्ट है, वो कहते हैं कि मेजॉरिटी धर्म अपने आप को माइनॉरिटी धर्म पर आरोपित नहीं कर सकता, सबको इस देश में बराबर की जीने का हक है और उस आधार पर ये देश बनाया जा रहा है। और बाजू के देश में यदि उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उल्लंघन करेंगे, हमारे यहाँ पर सबको बराबर कर दिया, चाहे कोई कितना भी छोटा पद हो, हर आदमी को फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, यानी आपको सोचने का अपने विचार मानने का पूरा हक है और दूसरा आपके ऊपर डंडा नहीं चला सकता कि हम बहुमत, ये यहां पर नहीं चल रहा। तो अपने आप में जब लोगों को लगता है कि हम बहुमत है और अल्पमत को हमारे धर्म की इज्जत करनी चाहिए, हमारी संस्कृति के हिसाब से चलना चाहिए, ये मेजॉरिटी की दादागिरी है, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता। और इसीलिए अलग से सेक्युलरिज्म पर पूरा संविधान में आर्टिकल्स हैं जिनको फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया और फंडामेंटल ड्यूटीज में साफ साफ आया है कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है, कि हम धर्म से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर और पूरे देश के सभी लोगों को प्यार। इसमें ये कहीं चित्र नहीं है हिंदू या मुसलमान या शैव या वैष्णव या ईसाई या पारसी वगैरह। और मजेदार बात यह है, यदि आप आर्टिकल 51 को देखेंगे, यही बात घुमाकर भी रखी गई। कैसे रखी गई है? दोबारा एक तो ये आ गया कि टू चेरिश एंड फॉलो, यानी हमारे आजादी के आंदोलन के आदर्शों का पालन किया जाए, उसको अपहोल्ड किया जाए। फिर वो कहते हैं कि हमको हमारे सारे देश के लोगों के बीच में बंधुता को प्रमोट करना चाहिए, धर्म जेंडर क्षेत्र वगैरह से ऊपर। वही बात दूसरे तरीके से कह दी गई ना, इतना जोर कि हमको सब लोगों में बंधुता प्रमोट करनी चाहिए। और उसको एक तीसरे तरीके से भी कहा गया है कि हमारे देश की साझी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, जो उसका रिच हेरिटेज है, उसका हमको आदर करना चाहिए और उसको प्रिजर्व करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। यानी वो कहना क्या चाहते हैं, देखिए तीन तीन क्लॉजेस हैं जो मिलते जुलते हैं। साझी संस्कृति मतलब इस देश में ये जो पूरा प्रचार है कि ये हिंदू देश है, संविधान की ड्यूटीज में स्पष्ट है कि नहीं, हमारी साझी संस्कृति, हमारे देश में जो भी लोग आए और जिन्होंने इस देश को योगदान दिया और इस देश में कुल मिलाकर इस देश का जिन्होंने सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक विकास किया, उसका जो निचोड़ है वो सब हमारा है, सबका। तो इसका मतलब क्या हुआ
की षड्यंत्र पूर्ण प्रचार किया जा रहा है, जैसे उदाहरण लिया जाए तो अभी शायद महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक्स में मुगल काल को इतिहास से हटा दिया, आपको पढ़ा होगा यह आया। आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी वर्ड यूज करें, टेक्स्ट बुक्स किताबें। हां वो मेरी हिंदी जैसी कबाड़ा नहीं है। तो हमारे देश की जो इतिहास की किताबें, लेकिन कोई शब्द समझ में ना आए आप उठाकर पूछ लीजिए। बचपन से जिस माहौल में पले बड़े हैं उसमें हम अंग्रेजी हो गए, क्या बताएं आपसे उसकी बात। तो हमारे देश की इतिहास की किताबों में मुगल काल को निकाला जा रहा है, इसका क्या अर्थ है सोचिए। इसका अर्थ ये बना कि फिर इतिहास में क्या और शिवाजी को कैसे दिखाते हैं, अफजल खान वाला किस्सा सिर्फ वही दिखाया जाता है, राणा प्रताप को हीरो बना दें और मुगल काल को माइनस, इसका बच्चों में क्या मूल्य जाएगा। वही मूल्य जाएगा जो आज आम लोग मानने लगे हैं कि इस देश पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ और उन्होंने हमारे ऊपर बड़े अत्याचार किए, ये आम प्रचार है ना, आपको सुना हो। ये प्रचार नहीं है कि अंग्रेज आए और बड़े अत्याचार किए। प्रचार क्या है, मुसलमान आए और अत्याचार किए। ये इतिहास ही सबसे पहले अंग्रेजों ने लिखा 1820 के आसपास, जेम्स मिल नाम के इतिहासकार हैं जिन्होंने भारत का इतिहास नाम की किताब लिखी 3 खंडों में, और उसमें उन्होंने पहली बार इस देश के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा कि 2000 साल का एक हिंदू काल है, फिर 800 साल का एक मुसलमान काल है, पहले वाला को उन्होंने सुवर्ण युग बोला, दूसरे वाले काल को अंधकार युग बोला जिसमें कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए, और ऐसे में फिर ये लॉजिक आ जाता है, ये तर्क आ जाता है कि हम हिंदुओं को उस अत्याचार से मुक्त कराने के लिए आए वो क्या ना जस्टिफिकेशन, और चित्त फैला दिया गया ना, उन्होंने अत्याचार किया हम उनको मुक्त कराने आए, जबकि सच्चाई से ठीक विपरीत। सच्चाई विपरीत ये है 1750 तक ये देश निरंतर विकास करता है, जो लूटने आता है वो विकास में योगदान नहीं करता। तो 1750 तक विकास होता रहा, और 1750 के बाद जब अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से यहां पे सारी विकास को उध्वस्त किया, तबाह किया, तो इस देश में भयंकर गरीबी बन गई। इतिहासकार ये मानते हैं कि 1750 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश था, यानी सबसे बड़ा औद्योगिक देश, इतिहासकार इस बात को मानते हैं। इस देश में सांस्कृतिक विकास भी हो रहा था, जिसकी सबूत मिलते हैं कि इतनी खूबसूरत इमारतें बनाई गई ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक। अब जो हिंदुत्ववादी हैं उनको ये सबको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यदि एक खूबसूरत इमारत बनने पर सवाल पैदा हो जाएगा तो उन्होंने कुछ तो किया मुसलमानों ने देश के लिए। लोग बोलते हैं कि ताजमहल पहले ही बना, तो इतिहास को तोड़ा जा रहा है ताकि ताजमहल मिली जुली जो आर्किटेक्चर इस देश में विकसित हुआ, जो वास्तुकला विकसित हुई, उसका प्रमाण उसके दुनिया भर के पत्थर लगे हुए। दक्षिण अमेरिका से लेकर और यूरोप के पत्थर उसमें मौजूद हैं। यहां पर मिली जुली संस्कृति का विकास हुआ, इसका परिणाम है कि यहां पर जो सारा संगीत विकसित हुआ है, ये भेदभाव करे नहीं था। बिस्मिल्लाह खान इसके लिए मशहूर है कि वो अपनी शहनाई काशी विश्वनाथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर, यही देश की संस्कृति रही है। यहां पर जो इस्लामिक संस्कृति आई और जो पहले की संस्कृति थी, दोनों आपस में मिल गए
और उससे पहनावा विकसित हुआ, उससे खान पान विकसित हुआ, उससे भाषा विकसित हुई और उसी के चलते आर्थिक विकास भी हुआ। और आर्थिक विकास का एक सबूत दे, सिर्फ बंगाल में इस देश में इतने जहाज बनते थे, जहाज को नापा जाता है उसके टनेज से कि वो कितना माल उठा सकता है, तो सिर्फ बंगाल में जहाजों का टनेज इतना ज्यादा था 1750 में कि ब्रिटेन, हॉलैंड और फ्रांस तीनों देश मिलाकर जितना जहाज बनाते थे अकेले बंगाल में उससे ज्यादा जहाज बनते। और उसके अलावा भारत में कोंकण तट पर भी जहाज बनते। तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश माना जाता है। और यूरोप के व्यापारी जब यहाँ व्यापार करने आते थे तो उनके पास कुछ होता नहीं था यहाँ देने के लिए, तो वो दक्षिण अमेरिका से सोना चांदी लूट कर लाते थे और वो सोना चांदी को यहाँ पर देकर यहाँ का सामान खरीद कर अपने देश ले जाते, उनके पास कुछ होता ही नहीं था देने के। ये विकास का स्तर कोलंबस की खोज में निकला। ठीक बात, तो मैंने इतना ही कहना था कि वो विकास का दौर था और इसीलिए सारी संस्कृति की बात संविधान करता है कि वो पूरा काल उसकी सारी संस्कृति, उसका मिला जुला, वो सारी जो खूबसूरती है उसको जपाए। अंग्रेजों ने आकर इसको नष्ट किया, योजनाबद्ध तरीके से सारे शहर उजाड़ दिए, सारे कारीगर समाप्त कर दिए। ढाका की आबादी लंदन के बराबर थी, 50 साल के अंदर आबादी घटकर 30,000 रह गई, 2,00,000 से। वो सारे कारीगर गांव लौट गए, गांव की आबादी बढ़ गई, गांव पर अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया तो अकाल पड़ने लगे और देश भयंकर गरीबी में पहुंच गया। तो यहां पर जो गरीबी है वो अंग्रेजों के शासनकाल का उपनिवेशवाद का परिणाम है, क्योंकि वो यहाँ रहने नहीं आए थे, वो लूटने आए। और उन लुटेरों ने जो इतिहास लिखा वो यहाँ के कट्टरपंथी प्रचारित करते और अपने आप को देशभक्त बोलते, ये कौन सा देश प्रेम। और जो सही इतिहास है उसके बारे में संविधान कह, और यदि उसको प्यार नहीं करते तो तुम देशद्रोही हो। संविधान क्या चाहता है, उसी के और भी पहलू हैं, क्योंकि समय कम है तो मैं एक दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जाना चाहता हूं। इसलिए संविधान में यह लिखा है कर्तव्यों में कि महिलाओं के लिए त्याग, सारी जो बुरी प्रथाएं उसको छोड़ना है। तो ठीक बात है, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और ट्रिपल तलाक को रद्द किया, लेकिन जो लोग ट्रिपल तलाक को साबित कर रहे हैं बताने का देखो ये हमारी विजय है, वो असल में पॉइंट स्कोर करने के चक्कर में है कि देखो मुसलमान कितने बुरे। सच्चाई ये है कि जो हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए जो अपमानजनक प्रथाएं उस पर तो चुप है। एक एमपी सती के समर्थन में मोर्चा निकालता है, आपको मालूम हो, खाप पंचायतें आदेश देती हैं कि महिलाओं को किससे शादी करनी चाहिए किससे नहीं और हत्याएं तक हो जाती हैं और एक खाप पंचायत पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। क्या वो ये स्टैंड लेने को तैयार है कि मासिक पाली कोई गलत चीज नहीं है, बल्कि मासिक पाली के चलते ही दुनिया आगे चलती है और ऐसे में महिलाओं का ज्यादा सम्मान होना चाहिए न कि उनको बाहर कर देना चाहिए मंदिर से और घर से। क्या वो स्टैंड लेने को तैयार? आपके घरों में भी बहुत सारे आपके माँ बाप स्टैंड लेने को तैयार नहीं होंगे। आप यदि देश की इज्जत करते हैं, आप यदि देश प्रेम मानते हैं, आप यदि कहते हैं कि हम संविधान के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहते हैं तो संविधान यही आदेश देता है कि महिलाओं के स्वाभिमान को नीचा दिखाने वाली सारी परंपराओं को त्याग,
स्टैंड लेना थी। मैं पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं कर रहा हूँ, नजरिया बहुत गलत है ना कि दूसरे पर उंगली उठा और अपने पर ना दे। इसकी भी जो गलत प्रथा है छोड़ा जाए। उसी तरह से संविधान में यह भी है कि वैज्ञानिक चिंतन प्रोत्साहित किया जाए। मतलब क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण? मतलब क्या उदाहरण प्लास्टिक सर्जरी, यानी प्रचार क्या है प्लास्टिक सर्जरी की? पहले वो हमारे यहाँ दो डॉक्टर बैठे हुए, एक तो दिख रहा दूसरे पता नहीं कहाँ। प्लास्टिक सर्जरी के पहले सैकड़ों साल का मेडिकल साइंस का विकास है ना, जिसके बाद प्लास्टिक सर्जरी आई। तो प्लास्टिक सर्जरी मतलब वो सुई धागे से सिलना। प्राचीन काल में हवाई जहाज, प्राचीन काल में हवाई जहाज रहे होंगे तो उसके पहले मेडिकल साइंस का विकास हुआ होगा, न्यूमेटिक्स का विकास हुआ होगा। हाई अब्सोल्यूट डिग्री का अनुवाद करने का मतलब तमाम प्रकार के विज्ञानों का विकास हुआ होगा ना, तब जाकर हवाई जहाज 1920-30 के आसपास बना। तो क्या ये सारे विज्ञान पहले विकसित हो चुके थे? तो बताए ना कौन सा विज्ञान विकसित हुआ। ऐसे में जब इतनी अवैज्ञानिक बातें इस देश में शीर्ष से प्रचारित होंगी, आप संविधान को जप रहे हो या संविधान का विरोध कर रहे हो? यानी हमारा कहना है कि देश प्रेम का मतलब सिर्फ झंडे को सलामी देना नहीं है ना, झंडे की इज्जत करने के साथ साथ ये सारे कर्तव्यों का भी पालन करने का मतलब है देश। वो देश प्रेम की असली कमी, हम हमारे देश को प्रेम करने का मतलब है हम चाहते हैं कि हमारे देश के सारे नागरिक सब का विकास हो, सबका दिमाग खुले, सबको आगे बढ़ने की संधि मिले, सबको अपने सांस्कृतिक मूल्य अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार मिले, और इत्मीनान से बिना टेंशन के अपने धर्म को मानते हुए, या धर्म को न मानना हो तो भी, और इत्मीनान से आप जन के समाज में अपने व्यक्तिगत विकास में आप मेहनत करें, न इस बात के टेंशन में रहें कि कौन हमारे ऊपर हमला कर देगा बहाना बना। संविधान वही कहता है, लेकिन एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहता हूं देश प्रेम। संविधान में जब संविधान सभा बहस कर रही तो संविधान का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हम आम तौर पे नजरअंदाज कर देते हैं। एक हिस्सा वही ड्यूटीज का, कर्तव्यों का, जिससे देश प्रेम की परिभाषा बड़ी खूबसूरती से निकल जाती है। और एक दूसरा हिस्सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निर्देशक नीति, निर्देशक सिद्धांत। उसके बारे में लोग सोचते हैं कि यार उसका तो सिर्फ कागज पर है, उसके लिए कोर्ट में आप जा नहीं सकते, तो उसका क्या महत्व होगा? जाते होंगे ना। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो संविधान का हिस्सा है। क्या आर्टिकल है, कौन कौन से आर्टिकल? 35-50 लागू नहीं कर सकते। तो लोगों को लगता है कि कोर्ट में लागू नहीं कर सकते तो महत्व क्या होगा? इस पर बहस हुई संविधान, संविधान सभा की डिबेट्स, जिसमें कि ये सवाल उठा कि फिर इनको हटा दिया जाए। अंबेडकर बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हैं,
अंग्रेजी में वो कहते हैं, इसका फिर मैं अनुवाद कर देता हूं, इट इज द इंटेंशन ऑफ दिस असेंबली, यानी ये जो संविधान सभा है इसका ये उद्देश्य है, वो ये चाहती है क्या, कि दैट इन फ्यूचर बोथ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव should not merely pay lip service to the principles enacted in this part, but that they should be made the basis of all executive and legislative action that may be taken hereafter in the governance of this country. यानी वो ये कहते हैं कि ये सभा ये चाहती है कि आने वाले समय में इस देश का जो लेजिस्लेचर है, यानी जो संसद है और जो एग्जीक्यूटिव है, यानी जो कार्यपालिका है, यानी जो अधिकारी है, वो जो भी कार्रवाई करें वो इन नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर करें, यानी देश कैसे चले, देश किस दिशा में जाए, उसको नीति निर्देशक सिद्धांत, उसकी आउटलाइन, उसकी परिसीमा डिफाइन करें। और अंबेडकर फिर ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारा, हम ये चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां भी यदि बने कि देश को इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आधार पर न चलाया जा सके, तो भी चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, सरकार को इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को ही लागू करना, यहां तक लागू नहीं कर पा रहे को भी लागू करने की कोशिश करें, वो देश किस दिशा में जाए इसकी आउटलाइन दे, और वाकई यदि हम इस देश को प्यार करते हैं, देश को प्यार करने का मतलब देश कागज पे बना नक्शा नहीं, देश को प्यार करने का मतलब है जिन लोगों ने असंख्य कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया, उनके जो सपने थे कि ये देश किस दिशा में जाए, उन सपनों को संजोना, उन सपनों को जनता में प्रसारित करना, पूरा प्रयास करना कि देश उस दिशा में जाए, उन्होंने जो सपने देखे थे देश वैसा बने, ये देश को प्यार करना हुआ ना। वो क्या चाहते, वो नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं, जिसके बारे में ये स्पष्ट लिखा गया है एकदम शुरू में ही पहली कलम में कि ये शासन के लिए फंडामेंटल है, दे आर फंडामेंटल टू गवर्नेंस, ये देश कैसे चले उसके लिए ये मूलभूत तत्व है। देखिए कितने तरीके से कहा गया है, यानी स्पिरिट क्या है कि अभी देश 200 साल की गुलामी से मुक्त हुआ है, हजार साल नहीं, 200, इसके पहले तो विकास ही कर रहा था, अंग्रेजों ने तबाह कर दिया, तो तबाही के बाद तुरंत ही ये सारे सिद्धांतों को हम लागू कर पाएंगे मुश्किल, तो अभी नहीं लागू कर पा रहे तो हम लिख इसलिए दे रहे हैं संविधान में कि आने वाली सरकारें उस रास्ते में पड़े, यही उद्देश्य है ना। तो वो क्या चाहते थे और आज 70 साल बाद वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं कि हमारा देश किस दिशा में जाना चाहिए। वो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से कुछ मैं पढ़ता हूं, आप पढ़िए जरूर, संविधान पे हमने हिंदी और मराठी में किताबें छापी हैं, वो पढ़िए, और वैसे संविधान नेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, महत्वपूर्ण कलम है, फंडामेंटल ड्यूटीज टाइप की आ जाएगा, हमारी आर्थिक व्यवस्था इस तरह से चले कि इसमें संपत्ति का केंद्रीकरण न हो। और फिर वो एक दूसरी कलम में इसी को घुमाकर दूसरी तरीके से लिखते हैं, लेकिन जोर कितना है इस पर, दो बार वही बात की गई है, भाषा बदल गई। वो कहते हैं राज्य विशेष तौर पर, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर, ये शब्द है कि राज्य को विशेष तौर पर कोशिश करनी होगी
कि आय में असमानताओं को कम किया जाए। इतनी बात हो गई ना, दो दो बार आया है उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल 38वें और 39वें। वो कहते हैं क्या चाहते हैं कि देश इस तरह से चले, असमानताएं कम, संपत्ति का केंद्रीयकरण ना हो। लेकिन आप जानते ही हैं, अब आंकड़े ये हैं कि 1990 के दशक में इस देश में 2 अरबपति थे, अब अरबपतियों की संख्या 101 हो गई। डॉलर अब अरबपति जिनके पास 1 बिलियन 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है, उनकी संख्या 101 हो गई। और उन अरबपतियों के पास इतनी संपत्ति इकट्ठा हो गई है कि वो देश के जीडीपी का 8वां हिस्सा है, सिर्फ 101 लोगों के पास। यदि देश इस तरह से चल रहा हो कि मुट्ठी भर लोगों के पास इतनी संपत्ति इकट्ठा हो गई, तो संविधान का उल्लंघन है, उसपे सवाल उठना चाहिए, उसपे बहस होनी चाहिए कि देशभक्त लोग ये बहस क्यों नहीं करते, ये देश किस दिशा में जा रहा है। बल्कि उन्हीं अमीरों में से एक हेलीकॉप्टर में घूमते हैं चुनाव के समय हमारे प्रधानमंत्री, ये सवाल उठना चाहिए। फिर वो क्या कहते कि हमारा संविधान ये आदेश देता है कि देश ऐसा चलना चाहिए कि राज्य को जनता के स्वास्थ्य को सुधारना उसकी उसका प्राथमिक कर्तव्य हो। और दूसरे जगह एक दूसरे कलम में इसी में आया है कि लोग बीमार हो तो उनको उचित व्यवस्था उनके इलाज की दी जानी चाहिए। अभी नासिक में आज के अखबार में आया है, लगभग 200 बच्चे मरे, और उसमें ये भी आया है कि इसलिए मरे हैं कि वहां पर कोई डॉक्टर ही नहीं, स्पेशलिस्ट नहीं। तो क्या हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध करा सकता है? संविधान ये मांग करता है कि इस पर खर्चा किया जाए, और ये मांग करता है कि राज्य में कठिन परिस्थितियां हो। नहीं, हमने बात अपनी कि वो कहते हैं, अम्बेडकर कहते हैं कि हमारा ये कहना है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो वो भी इनको लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार सालाना पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, और उधर अमीरों को 5.5 लाख करोड़ की टैक्स माफी है, उससे 11 गुना। सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन, क्योंकि संविधान मांग करता है कि आपको टैक्स इकट्ठा कीजिए और लोगों पे खर्च कीजिए ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे। संविधान ये डिमांड करता है ना कि देश ऐसे चलना चाहिए, क्यों नहीं करते? जब लोगों के इलाज आपको मालूम ही है, ये देश बीमारियों में दुनिया में नंबर 1 है, यहां पर मलेरिया से 1 लाख लोग मरते हैं, यहां पर टीबी से 2 लाख लोग मरते हैं, और तरह तरह की बीमारियां, मतलब आधी मौतें क्रोनिक बीमारियों से होती हैं, डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों से, जिन सबको नियंत्रित किया जा सकता है यदि स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़िया हो। और उसके लिए सरकार के पास पैसे भी हैं। अब तो ये नहीं कह सकते कि पैसे हैं, तो देश इस तरह से चलना चाहिए। फिर वो कहते हैं सरकार का कर्तव्य बनता है कि लोगों को पोषक आहार मिले। The state shall regard raising the level of nutrition of the people as its primary duty. Level of nutrition मतलब आपको जो आहार मिलता है वो पोषक आहार मिले, वो सरकार का कर्तव्य बनता है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब क्या होता है? क्यों पोषक आहार मतलब सरकार क्या कर सकती है? उदाहरण के लिए बहुत बढ़िया है,
कि राशन व्यवस्था है उसमें लोगों को उपलब्ध कराया जाए और उसमें सिर्फ गेहूं चावल नहीं, उसमें तेल उपलब्ध कराया जाए खाद्य तेल, और उसमें दालें उपलब्ध कराई जाए ताकि लोगों को पोषक आहार, उसमें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। पोषण के लिए जो बजट है वो कम करते चले जा रहे हैं, मतलब बच्चों की संख्या बढ़ रही है लेकिन बजट कम हो। ये देश अपने बच्चों को मध्यान्ह भोजन भी खर्च कराने को पैसे नहीं दे रहा, तो किस बात की देश के बारे में चिंता कर रहे हैं? इनके लिए देश कागज पर बना नक्शा है, इसके लोग लाए हैं। हमने कैलकुलेट किया है लेख में कि सारे लोगों को, देश के सारे नागरिकों को, सिर्फ गेहूं चावल का कैलकुलेशन मैंने किया था कि सरकार का बजट 50,000 करोड़ और बढ़ जाए 70,000 करोड़, तो सारे लोगों को व्यवस्थित गेहूं चावल ज्वार बाजरा उपलब्ध कराया जा सके। उसकी दालें जोड़ दी जाए, मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन समझ लो 60-70 हज़ार करोड़ रुपया, और ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आपको ये आंकड़े बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं, ये बहुत बड़ी रकम इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार सालाना गहनों की खरीदारी पर 70,000 करोड़ रुपए के टैक्स माफ करते हैं। 70,000 करोड़ का टैक्स माफी गहनों की खरीदारी पर। बड़े लोग जो गहने खरीदते हैं, आप खरीदते हैं, ये देते हैं नहीं, उनका जो सरकार का एक कॉलम है उसमें वो कहाँ कैसे करते हैं मैं नहीं जाता डिटेल, लेकिन सरकार हर साल एक आंकड़ा देती है अपने बजट में कि हमने अमीरों को टैक्स माफी किस किस तरह से दी। उसमें 70,000 रुपए गहनों, 70,000 करोड़ रुपए गहने और डायमंड्स की खरीदारी पर सरकार ने टैक्स माफी दी है, उसके डिटेल्स नहीं देते। डिटेल देने को और हल्ला बनेगा ना, वैसे ये आंकड़ा भी लोग नहीं जानते, मैं बहुत डिटेल नहीं जानता इतना ही आंकड़ा आपको मालूम, लेकिन उससे साबित होता है ना कि पैसे इनके पास नहीं, चाहे तो पैसे ला सकते हैं, इस देश के लोगों को पोषक आहार उपलब्ध करा सकते हैं। जिस देश में आज भी 40% बच्चे, सरकार का सर्वेक्षण है 2015, 38% बच्चे कुपोषित है, स्टंटेड है, स्टंटेड मतलब जितनी उनकी ऊंची बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ रही है, यानी कुपोषण का शिकार है। और आप जानते हैं कि 1-2 साल का बच्चा यदि कुपोषित हो, उसका मतलब है उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हो, डॉक्टर बैठे हैं जरूर सब कुछ कर दें, क्यों ऐसे ही है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा। और डॉक्टर ये बताते हैं कि बचपन में यदि दिमाग का विकास अवरुद्ध हो गया, बाधित हो गया, तो बड़े होकर आपको अच्छा आहार मिल भी जाए तो वो कॉम्पेंसेट नहीं हो सकता, यानी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो आप इस देश के 40% बच्चों को एक प्रकार से शाप दे दे रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग विकसित नहीं होगा, तुम मन बुद्धि के ही रहोगे। क्या ये देश प्रेम कि देश ऐसे चले कि देश ये हालत बने, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्पष्ट लिखा है कि सरकार का ये प्राइमरी ड्यूटी है कि वो देश ऐसा चलाए कि सारे लोगों को पोषक आहार। फिर वो कहते हैं कि सारे लोगों को रोजगार का अधिकार मिले, सरकार इसके लिए अपने पूरे आर्थिक संसाधन इस्तेमाल करे। और उसी को एक दूसरी जगह लिखा हुआ है दूसरे तरीके से, उसी में
कि राज्य अपनी नीति इस तरह से चलाएगा कि सारे लोगों को व्यवस्थित जीवन यापन के साधन उपलब्ध हो। एक ही बात, जीवन के यापन के साधन उपलब्ध हो, फिर अगले कदम में उसी को घुमाकर लिखते हैं कि सबको रोजगार का अधिकार। अब जानते हैं इस देश में आधी आबादी खेती पर निर्भर है, तो किसानों को यदि थोड़ा मुक्त करना हो संकट से, अब जानते हैं आत्महत्याएं चल रही, तो क्या करेंगे? एक सिंपल कदम यदि आप लेना चाहते हैं किसानों की भलाई के लिए ताकि आत्महत्याएं कम हो, तो क्या कोशिश करेंगे? क्यों नहीं करेंगे कोई पॉलिसी कि खेती का संकट कम हो और किसानों की हालत सुधरे? हाँ भाई साहब, देखिए शेतकऱ्यांची आत्महत्या थांबवण्यासाठी जर विचार असेल तर त्यांचा कर्जमाफी करणे हा उपाय नाही, किंवा जर त्याच्या मुळाशी जर गेलो आपण तर, किंवा त्याच्या शेती मालालाही योग्य भाव देणे हाही त्याच्यावरचा उपाय नाही, तर शेतकऱ्यांना सक्षम करणे हा त्याच्यावरचा उपाय आहे। तर शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी जे काही पर्याय उपलब्ध आहेत त्याच्यामध्ये त्याला शेतीचं प्रशिक्षण असेल, मातीचं प्रशिक्षण असेल, मातीचं तपासणीचं प्रशिक्षण असेल, किंवा त्याला मिळणारे जे काही बीज आहेत बी आहेत त्याचे पर्याय असेल, किंवा मिळणारे त्याला खत आहेत तर त्याची बाबा साधन असे उपलब्ध आहे। तो बढ़िया बात है, लेकिन तात्कालिक तौर पर यदि इमीडिएट रिलीफ देने को तो क्या करो? लॉन्ग टर्म समाधान नहीं है, मैं सहमत सर, अभी एक सेकंड बहस का मुद्दा नहीं है, बाद में बात। आप बैठिए, दो मिनट बाद। कारण है कि मुख्य विषय वो नहीं है, मुख्य विषय खेती का संकट नहीं है, उसमें हमने एक व्याख्यान दिया था। ये सही बात है कि कर्ज माफी कर देंगे तो 5 साल में फिर कर्ज बढ़ जाएगा, और यही हुआ भी 2008 में या 9 में कर्ज माफी की थी और फिर उतना ही वापस कर्जा बढ़ गया है। तो आपका कहना सही है, मैं उससे मेरा सहमति नहीं। किसको करेंगे सर कर्ज माफी? लेकिन सवाल ये होता है कि कर्ज वाले बड़े लोग होता है दादा सर, तात्कालिक तौर पर जब किसी को रिलीफ देते हैं, जैसे आपको अच्छा खाना पीना ना मिल रहा हो और आपको टीबी हो गया, तो पहले तत्कालिक टीबी की दवाई लेंगे ना, उसके बाद कोशिश करेंगे कि आपका खाना पीना कैसे। उसी तरह से यदि शेतकरी संकट में है और संकट का एक महत्वपूर्ण कारण अब ये बन गया है कि कर्जा आसमान पे चढ़ गया है, तो कर्जा माफी करेंगे लेकिन उसमें रुकेंगे नहीं। कर्जा माफी करने के साथ साथ स्वामीनाथन कमीशन आयोग की जो सिफारिश है वो लागू करेंगे। तो एक हुआ तत्कालिक रिलीफ और एक हुआ लॉन्ग टर्म रिलीफ, क्योंकि सक्षम करना एक लंबी पॉलिसी है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन तात्कालिक भी कुछ मदद करनी पड़ेगी और उनका भी मदद भी करनी पड़ेगी। इन्होंने महाराष्ट्र में 34,000 करोड़ की लोन माफी पूछी, बड़ा हल्ला मुल्ला मचने के बाद आज तक ठीक से लाभ नहीं करो। और देश में बड़े अमीरों की लोन माफी पिछले 3 साल में 2.25 लाख करोड़ की हो चुकी है, सरकार ने ये राज्यसभा में स्वीकारा है कि हमने करोड़पतियों को 2.25 लाख, करोड़पति नहीं बोलते, बोलते हैं कि लोन माफी उतनी हुई है, तो ऑब्वियसली आपकी हमारी तो नहीं होती। तो लोन माफी का आंकड़ा है 2.25 लाख करोड़, और उसके अलावा पिछले कुछ सालों में यानी भाजपा और उसके पहले की कांग्रेस सरकार ने मिलाकर एक दूसरे किस्म की लोन माफी जिसको बोलते हैं लोन की पुनर्रचना, हुआ विषय गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन उसमें भी लोन माफी करते हैं, उसका आंकड़ा है 6 लाख करोड़। तो 6 और 2, और उसके पहले कांग्रेस ने किया 1 लाख करोड़, यानी हो गया 9 लाख करोड़। तो आप अमीरों को लोन माफी देते हो 9 लाख करोड़ और किसानों को 30,000 करोड़ की लोन माफी देने को तैयार नहीं हो, जिसमें कि लाखों शेतकरियों का फायदा होगा और फिर खेती पर खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। जो आप सुझा रहे थे एकदम सही बात है कि खेती पर सरकार का सालाना खर्चा है 50,000 करोड़ और सड़क बांधने पर हाईवे बनाने पर खर्चा है 70,000 करोड़। तो खेती ज्यादा जरूरी है ना, आप प्राथमिकताएं तय करोगे ना। तो हमारा इतना ही कहना है कि संविधान में एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश है कि देश किस दिशा में चलना है,
देश उस तरह से चलना चाहिए कि इसके लोगों की भलाई हो, उसके क्षेत्रों को फायदा हो, इसके गरीबों को फायदा हो, उनकी रोजी रोटी सुरक्षित हो, वो हमारा प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। उसके बदले ये कुछ और ही करते चले जाते हैं। आप जब संविधान में ये लिखा है, देखिए इतना महत्वपूर्ण है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर, विशेषकर राज्य कोशिश करेगा, राज्य प्रयास करेगा कि लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है उसमें गैर बराबरी खत्म हो। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। आप में से किसी ने शुरू में लिखा था, जाता मुझे नहीं लगता कि सरकार को सब लोगों को बराबर का मौका मिलना चाहिए, ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिए, उसमें गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए, मौके में ही सुविधा हो। आप यदि अमीरों को एक प्रकार की इलाज की सुविधाएं दें, अमीरों को बच्चों को बढ़िया स्कूल की सुविधाएं दें और गरीबों को बच्चों को दूसरे प्रकार की स्कूल सुविधाएं दें, इसमें कि मास्टर नहीं है, एक क्लासरूम में तीन तीन क्लास को पढ़ाया जा रहा है और वो भी 70 साल बाद जब पैसे भरपूर हैं, तो वो किस्म के मौके लोगों को नहीं मिल रहे हैं कि आप जन्म से ही बच्चों को ना खाने पीने की सुविधा मिल रही है क्योंकि आप राशन देना नहीं चाहते, उनको शिक्षा नहीं मिल रही क्योंकि आप स्कूलों पर खर्च नहीं करना चाहते, उनको इलाज की सुविधा नहीं मिल रही होगी, आप अस्पताल पे खर्चा नहीं करना चाहते, और दूसरी तरफ लाखों करोड़ रुपए की लोन माफी, टैक्स माफी और वगैरह वगैरह, वो पूरी सूची हमारी किताब में दी है हमने, जितना हमको थोड़ा बहुत पता चला, इसमें गवर्नमेंट को और क्या सरकार के पास पैसे नहीं है, नाम की हमारी किताब में पढ़ ली। तो यदि देश इस दिशा में चल रहा हो तो यही तो संविधान का उल्लंघन है। संविधान ये मांग करता है कि यदि आप वाकई देशभक्त हो, यदि आप वाकई देश को प्रेम करते हो, तो संविधान ये डिमांड करता है, ये मांग करता है कि देश को इस रास्ते में चलना चाहिए कि सब लोगों के लिए देश है। अंबेडकर एकदम स्पष्ट रूप से संविधान सभा में अपने भाषण में कहते हैं कि ये आने वाली सरकारों के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत है और कितनी भी कठिन परिस्थितियों उनको इसको लागू करना है। तो दोस्तों हमारा इतना ही कहना है कि ये मांग है इस देश की, इन विचारों को इतने दिशा निर्देश देते हैं, इन मूल्यों को मानना, इन मूल्यों के हिसाब से देश चले, उसका आदर करना, उसको जपना, ये सच्चा देश प्रेम माना। Thank you.